खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो वहाँ पश्चिम बंगाल में दीदी, तो यहाँ उत्तर प्रदेश में मायावती। मायावती का राजनीति करने का अंदाज बेहद ही अलहदा है, थोड़ा अलग किस्म का है। वो किसी की नहीं सुनती है, वो सिर्फ अपनी सुनती है, अपने मन की करती है। और आप जानते हैं कि उनके मन को मूर्तियां बड़ी पसंद आती हैं। वो पार्क में अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवाती हैं, अपने चुनाव चिन्ह की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवाती है। यही वजह है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में मायावती से जवाब मांगा गया। जब जवाब उन्होंने दाखिल किया तो देश की उस जवाब को पढ़कर आंखें एकदम खुली की खुली रह गई। मायावती ने उसमें प्रभु राम का जिक्र किया और कहीं ना कहीं अपनी मूर्तियों का कंपैरिजन प्रभु राम की मूर्तियों से कर दिया। बस यहीं से राजनीति शुरू हो जानी थी। देखिए, तीन जगहें लखनऊ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, और कुल खर्च 5,919 करोड़ रुपए। करीब 10 साल पहले मायावती ने जो मूर्तियां बनवाई थी उन पर अब एक नया विवाद शुरू हो गया। क्या मायावती की मूर्ति भगवान राम की मूर्ति जैसी है? क्या मायावती की मूर्ति सरदार पटेल की मूर्ति जैसी है? क्या मायावती की मूर्ति शिवाजी की मूर्ति जैसी है? हम तुलना नहीं कर रहे, बल्कि आपको वो तर्क बता रहे हैं जो मायावती ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हैं। सरकारी खर्च से मूर्ति लगवाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इसी मामले में मायावती की तरफ से एक एफिडेविट दाखिल किया गया है, जिसमें मायावती ने सरकारी खर्च से मूर्तियां लगवाने को सही ठहराया है। मायावती का ये अनोखा तर्क आप भी सुनिए। एफिडेविट में लिखा है, मैंने बहुजन समाज के भले के लिए पूरा जीवन लगा दिया। आजीवन अविवाहित रहने का फैसला किया। सीएम रहते तमाम कल्याण योजनाएं लागू की। मेरे इस योगदान को देखते हुए ये जन भावना थी कि दूसरी महान हस्तियों के साथ मेरी भी मूर्तियां लगे। यानी मायावती ये कह रही हैं कि उन्होंने मूर्तियां अपनी इच्छा से नहीं बल्कि लोगों की इच्छा से लगवाई हैं। अब देखिए मूर्तियां लगाने में हुए सरकारी खर्च को वो कैसे जायज ठहरा रही हैं। कांग्रेस के शासनकाल में केंद्र और राज्य सरकारों ने देश भर में सरकारी खजाने से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव की मूर्तियां लगवाईं। लेकिन इन मूर्तियों को लेकर ना तो मीडिया और ना ही याचिकाकर्ता ने कोई सवाल उठाया। अपने हलफनामे में मायावती ने भगवान राम, शिवाजी और सरदार पटेल की मूर्तियों का भी जिक्र किया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी भगवान राम की 121 मीटर ऊंची मूर्ति बनाने की योजना पर आगे बढ़ रही है। सरकारी पैसे से गुजरात में 3000 करोड़ रुपए की लागत से सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची मूर्ति बनी है। हलफनामे में भगवान राम की मूर्ति के जिक्र पर विवाद हो गया है। वह नेता है, क्या कह देगी, क्या बोल देगी, उन लोगों के कोई ठिकाना तो है नहीं। लेकिन भगवान राम के स्टैचू और अपना स्टैचू के एक साथ जोड़ती है तो महामूर्खता के बात, जिसको दिमागी दिवालिया जिसको कहते हैं, पागलपन कहते हैं। इस प्रकार के भाषा के या इस प्रकार के लेखनी के प्रयोग नहीं करना चाहिए। बीजेपी मांग कर रही है कि मायावती देश से माफी मांगे। उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। अगर वो अपनी तुलना करोड़ों हिंदुओं के आस्था के आराध्य ईश्वर से अपनी तुलना कर रही हूँ। बीएसपी ने इसे मनुवाद और मोदी की मैडम तुसाद म्यूजियम में लगी मूर्ति से जोड़ दिया है। ये एक मनुवादी और सामंती मानसिकता है। और मैं उन लोगों से ये भी प्रश्न करना चाहता हूँ कि मोदी जी अभी गए थे तुसाद म्यूजियम में, उनकी भी मूर्ति लग रही है। वो खड़े होकर पोज दे दे के फोटो लगवा रहे थे अपनी के कैसी मूर्ति लगेगी, कैसी मूर्ति लग रही है, बन रही है, तो उस पर कोई प्रश्न नहीं उठता। अब संक्षेप में ये पूरा विवाद भी समझ लीजिए। मायावती ने 2007 से 2011 के बीच अपनी सरकार के दौरान ये मूर्तियां बनवाई। एलडीए की रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पार्क और मूर्तियों पर कुल 5,919 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2012 में जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मायावती पर 40,000 करोड़ रुपए के मूर्ति घोटाले का आरोप लगाया था। 2009 में रविकांत नाम के एक व्यक्ति ने मायावती के सीएम रहते ये याचिका दाखिल की थी। याचिका में पैसे मायावती और बहुजन समाज पार्टी से वसूले जाने की मांग की गई थी। मायावती की तरफ से इसी याचिका का जवाब दिया गया
जिसमें भगवान राम की मूर्ति का जिक्र हुआ। पिछले महीने चीफ जस्टिस ने जब इस पर सुनवाई शुरू की तो उनका कहना था कि पहली नजर में लगता है कि मायावती को इन मूर्तियों पर हुआ खर्च लौटाना चाहिए। मायावती पर जब भी इस किस्म के आरोप लगते हैं वो सीधा सीधा अनुसूचित जाति या फिर बहुजन समाज की ढाल बनाकर उसे अपना बचाव करने लगती हैं। उन्होंने जिन भी लोगों के नाम लिए जो अभी हमने आपको रिपोर्ट में दिखाए थे, उनमें से आप जरा बताइए या मायावती को बताना चाहिए कि कितनों ने अपनी खुद की मूर्तियां लगवा दी थी। मायावती ये चाहती हैं कि जमाना, आने वाली पीढ़ी उनको याद करे। तो मास्टर स्ट्रोक बहन जी आपके लिए है, और ये भी याद रखिए कि अभी जो है 9:30 बजे इसी पूरे मसले पर BSP से जवाब भी मांगा जाएगा सुमित अवस्थी टुनाइट में। बहरहाल मास्टर स्ट्रोक बहन जी आपके लिए है, अगर आप चाहती हैं कि जनता आपको याद करे तो मूर्तियों की कारण नहीं, जनता के असली मुद्दों के कारण आप याद की जाएं।